लॉकडाउन तो बढ़ रहा है और लॉकडाउन के साथ साथ घर पे रह रह के उल्टा सीधा खा खा के हमारा वेट भी बढ़ रहा है, लेकिन इस पे कैसे कंट्रोल पाया जा सकता है, बस इसी बारे में होगी बात आज 94.3 माय एफएम पर। मैं हूँ अंजनी आपके साथ और मेरे साथ इस वक्त आप सुन सकते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ शिल्पी गोयल, डाइटिशियन एंड वेलनेस एक्सपर्ट। हाय शिल्पी, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय शो। लॉकडाउन के इन दिनों में घर पे रहकर ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज भी नहीं हो पाती है, ऊपर से खुद को बिजी रखने के लिए हम खाने में तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एंड वी आर ईटिंग ऑल ऑफ देम, रिजल्ट वेट गेन हो रहा है। तो एक प्रॉपर और हेल्दी डाइट किस तरह से ली जा सकती है? तो अंजनी, सबसे बड़ी जो गलती हम करते हैं वो ये है कि हम फूड को प्लेजर से या टाइम पास से एसोसिएट करते हैं। फूड इज अ फ्यूल टू योर बॉडी, तो पहले तो ये एसोसिएशन को काटना पड़ेगा, उसके बाद अपने मन को किसी भी क्रिएटिव चीज पे इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जहां तक फूड की बात है, तो फूड के कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो हमें हमेशा याद रखने चाहिए। एक तो अपने डाइट में हमेशा फाइबर का जरूर ध्यान रखना है। फाइबर इन द सेंस, आपके खाने में वेजिटेबल्स की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। प्रोटीन का सोर्स हमारे हर मील में जरूर होना चाहिए। हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करने में प्रोटीन, फाइबर और वाइटमिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपको कुछ मंच ही करना है ऑड आवर्स में, तो आप नट्स एंड सीड्स खा सकते हैं, फुल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं। और साथ ही हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम डब्बेबंद चीजें, यानी कि बिस्किट, मिक्सचर और जो भी पैकेज्ड आइटम है, उसका सेवन ना करें, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी को वीक कर देता है। तो सुना आपने, जरूरी नहीं है कि हम खाने में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो जंक फूड ही हो, हेल्दी डाइट में भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है जिसके थ्रू खुद को हेल्दी रखा जा सकता है। ब्रेक के बाद डाइटिशियन एंड हेल्थ एक्सपर्ट शिल्पी गोयल से और भी बातें जानेंगे अबाउट अ हेल्दी डाइट। माय एफएम पर बने रहना मेरे यानी अंजनी के साथ। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।